हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम वंशिका एंड यू आर वाचिंग गेट हेल्दी विद वंशिका। और मैं बस वेदिका दिखाऊंगा स्टेट। हां अब कर ओबा। मैंने रेफरेंस लिया था, यहां पे मैं वो वीडियो लगा दूंगी। वेदु ने झूला बना दिया, वेदु की दादी ने झूला बना दिया। वेदु कहां है, बेबी कहां है? क्यों चुप? वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम वंशिका एंड यू आर वाचिंग गेट हेल्दी विद वंशिका। आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। आज है संडे और मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है पाव भाजी बनाने का, और स्पेशली यहाँ पे क्योंकि मैं चाहती हूँ निशान सुशांत भी खाएं एंड वो रिव्यू दे कि वो कैसा लग रहा है। फिलहाल वेदु भी उठ चुकी है, मैडम इवन रेडी भी हो चुकी है। तो अभी सुबह के कुछ 8 बज रहे हैं और मैं बस वेदिका दिखाऊ और मैं बस जा रही हूँ पाव भाजी बनाने। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं पाव भाजी। बाय कर दो वेदु। बाय। तो जी सबसे पहले भाजी बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 1 चम्मच बड़ा देसी घी, जीरा और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाला। यहाँ पे मैंने MDH का मसाला लिया था। उसके बाद मैंने 2.5 टमाटर डाला, आधा टमाटर रख दिया था, बाद में बताऊंगी क्या किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोभी और आलू डाला एंड अच्छे से इसको मिक्स करा। यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा सॉल्ट, ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी एंड बस इसको कवर करके इसको विसल लगाने के लिए रख दिया। अप्रॉक्सीमेटली 2 विसल आई इस पर मीडियम टू हाई फ्लेम पे। उसके बाद कढ़ाई ली, उसके अंदर देसी घी एंड बटर डाला और यहाँ पे मैंने डाला अच्छा सा चॉप किया हुआ प्याज। उसके बाद ही सेम टाइम पे हल्का सा जैसे ये ब्राउन हुआ ना, इसके अंदर मैंने डाल दिया कैप्सिकम, वो भी छोटा छोटा चॉप करके इसको अच्छे से भुनने दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये टोटली ऑप्शनल है, जो लोग नहीं खाते वो ना डालें। यहाँ पे ना मैं ना बीन्स को कुकर में डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने माइक्रोवेव में अलग से उसको डाला। और ये रहा वो आधा टमाटर जो मैंने 3 टमाटर में से बचा लिया था। बस उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला डाला, अच्छे से इसको मिक्स करा ताकि ये जले नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अगेन इसको ना अच्छे से मिक्स करते रहना है बार बार। उसके बाद यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाली, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 2 चम्मच, और ये सारा मसाले को वो एक अच्छा पेस्ट बनाने के लिए मैंने डाला 1 कटोरी भर के पानी। जब ये अच्छे से पेस्ट बन गया, अच्छे से मैंने इसको चलाया और इसको मैंने पकने दिया अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिनट्स के लिए। उसके बाद मेरा जो प्रेशर कुकर में सब्जी थी वो अच्छे से मैश करनी थी, तो यहाँ पे मैंने मैशर की हेल्प से उसको बढ़िया से मैश कर दी और उसके बाद मैंने इसको डाल दिया अपने मसाले के अंदर। अब यहाँ मेहनत वाला काम शुरू होता है। ये ना बहुत थिक हो जाती है, इसलिए आपको कम से कम इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से चलाते रहना है, उसके बाद इसमें पानी डालना है। ओके, पानी के लिए हमें सबसे ज़्यादा चीज़ ये ध्यान रखनी है, जो भी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए हमें उससे ज़्यादा ही पानी डालना है, क्योंकि ये भाजी जो है खुल के पकेगी इसलिए। और यहाँ पे है लच्छा प्याज, इसके बिना तो ना पाव भाजी मुझे बिल्कुल अधूरी लगती है। तो लो जी, हो गई अपनी पाव भाजी तैयार। बहुत टेस्टी, बहुत मस्त लग रही थी। मैं अब काशीपुर जाऊँगी ना, तो वहाँ भी ज़रूर मुझसे पप्पो कहेगी कि बनाओ ही बनाओ। माई ग्रैंड मा, अच्छा ग्रैंड मा यूज दिस, आपकी ग्रैंड मा थोड़ा ना यूज करती है ये। बांध लाऊंगा, क्या देखना है? तेरे वास्ते, मेरे वास्ते गए, ये तेरे वास्ते। हाँ, इसमें लग गई। टीवी में चला, टीवी में टीवी में झूला टेडी बियर के लिए वेदिका की दादी। वेदु ने झूला बना दिया, वेदु की दादी ने झूला बना दिया। वेदु कहाँ है, बेबी कहाँ है? छुप गई, छुप गई, सो गई, सो गई। दिखाओ। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, क्यों चुप? वो भाई सो गया। वेदु के दादू सुबह सुबह ना एक्सरसाइज और योगा करते हैं, और वेदिका उनको देख देख के ये भी सीख गई, मतलब ये खुद ही सीख गई। पापा जी एकदम शॉक्ड हो गए कि इसको ये सब चीजें क्यों आती, क्योंकि हमने इसको कहा नहीं कि ये सब सीख, पर उसको खुद ही आ गया। तो ये वीडियो पापा जी ने मेरे लिए कैप्चर करी थी, उन्होंने मुझे ये भेजी और मैंने सोचा ये तो व्लॉग में डालना बनता ही बनता है। हम्म,
हाँ जी, तो बढ़िया से बन गई हमारी पाव भाजी। सब लोगों को बहुत 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 टेस्टी लगी, बिल्कुल भी तीखी नहीं हो रही थी, बट वो जो उसके अंदर एक बर्न फ्लेवर आता है ना, वो आ रहा था और वो बहुत टेस्टी लग रही थी। मैंने रेफरेंस लिया था, यहाँ पे मैं वो वीडियो लगा दूंगी, मतलब वीडियो तो नहीं, हाँ बट जिसका जिससे मैंने रेफरेंस लिया था ना, जिस वीडियो को देख के मैंने बनाई थी, तो मैं उसकी फोटो लगाऊंगी। अगर आपको बनानी हो ना, तो आप बिल्कुल उस तरीके से बनाना, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालते, वो सिर्फ दो या तीन ये चीज़ें डालते हैं, नमक और पाव भाजी मसाला और कश्मीरी मिर्च, बहुत टेस्टी बनती है। और जब तक पाव भाजी के साथ वो लच्छा प्याज ना हो, तब तक तो उसका मजा ही नहीं आता। मतलब वो इतनी टेस्टी बनी थी कि हम सब लोगों ने प्रॉपर दो दो बन, मतलब फोर पीसेस आराम से खा लिए। और बस अब थोड़ी आफ्टरनून हो गया है, तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, सबके सब थोड़ी देर सोएंगे, संडे है आखिर। और उसके बाद मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं मेंशन करूंगी, वो कहते हैं कि मुझे डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, बट मैं ये सोचती हूँ कि डेली डेली मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या मुझे करनी चाहिए। तो अगर आप मुझे लिखेंगे कमेंट में, तो डेफिनेटली मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी। सो यस, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो एंड शेयर करना मत भूलना। आगे की वीडियो राखी व्लॉग होने वाला है, जो बहुत मजेदार होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, बुआ जी वगैरह आएंगी, वेदिका बांधेगी, एंड उसके बाद हम लोग भी जा रहे हैं, तो वहां पे भी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो बने रहना इस व्लॉग में। नहीं, सॉरी, हम पागल हैं पागल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय बाय।